क्या आप जानते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाने वाले प्रोग्रामर्स आज कहाँ हैं? सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की, जिसे बनाया था डेनिस रिची ने, जो 1941 में जन्मे थे और जिनकी मृत्यु हो चुकी है सन 2011 में। इसके बाद बात करते हैं हम C++ लैंग्वेज की, जिसे बनाया था ब्यान स्ट्रॉस्ट्रप ने, जो डेनमार्क के रहने वाले थे। 1950 में इनका जन्म हुआ था, आज ये 72 साल के हो चुके हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करते हैं। इसके बाद बारी है जावा लैंग्वेज की। जावा लैंग्वेज को बनाया था जेम्स गोसलिंग ने, जिनका जन्म हुआ था सन 1955 में, आज ये 68 वर्ष के हो चुके हैं। ये काम करते हैं Amazon कंपनी के लिए, Amazon वेब सर्विसेज के लिए। बेसिकली इनका खासा इंटरेस्ट है IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। रिसेंटली उन्होंने ग्रीन ग्रास करके एक प्रोजेक्ट बनाया है। चलिए अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की। इसे बनाया था गीडो वैन रॉसम ने, जिनका जन्म हुआ था 1956 में, फिलहाल ये 67 ईयर्स के हैं। और गीडो वैन रॉसम ने पहले गूगल में भी काम किया था, उसके बाद फिर ड्रॉपबॉक्स में भी काम किया था, फिलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट